हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एनसीआर प्रॉपर्टी बाजार। सो बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि स्टूडियो अपार्टमेंट, सर एक बजटेड स्टूडियो अपार्टमेंट हमारी सबकी एक नीड रहती है, क्योंकि हमें पता है स्टूडियोज अपार्टमेंट में रेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आज मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट का आपके लिए ऑप्शन लेकर आया हूँ। लोकेशन रहने वाली है टेक जोन 1, यमुना एक्सप्रेस वे के पास। अगर मैं यहाँ से जेवर एयरपोर्ट की बात करूँ तो 25 से 30 किलोमीटर, यहाँ से 25 से 30 मिनट की ड्राइव पे आपका जेवर एयरपोर्ट आ जाता है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है। और प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट मिक्सन का रहने वाला है। 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1200-1300 स्क्वायर फीट के इसमें हमारे स्टूडियो रहने वाले हैं। और बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान भी लेके आए हैं। मैं एक बार आपको साइट पे लेके चलता हूँ और डिटेल्स दिखाता हूँ। तब तक आप मेरे सामने देख लीजिए इसका एंट्री गेट जो बनाया है। बेसिकली अभी हम हैं मिक्सन के प्रोजेक्ट में, बेसिकली 75 एकर्स में हैं। इस 75 एकर्स में काफ़ी कुछ हम यहाँ पे बिल्डर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आईटी हब्स इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे एक 5-स्टार होटल आ रहा है। अगर मैं आसपास की बात बताऊँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, गुलाटी यूनिवर्सिटी हो गई, चाई 5 से बहुत नियर लोकेशन पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली 1.5 एकड़ के अंदर एक अपने स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेकर आए हैं। टोटल 600 हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट इसमें रहने वाले हैं। ग्राउंड प्लस 14 की हाइट रहने वाली है। और मैं आपको एक बार लोकेशन पे लेके चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। सो गाइस, ये बेसिकली हमारी लोकेशन पे हम आ गए हैं। सामने अगर आप देखेंगे जो भी खाली लैंड है, इसी लैंड पे हमारे स्टूडियोस बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है स्टार्ट। बेसिकली इसका रेरा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फरवरी एंड वीक या मार्च फर्स्ट वीक में इसका रेरा आ जाएगा। 25 से 28 लाख के बीच में आपको एक आपका स्टूडियो अपार्टमेंट बन जाता है, जो मैं आपको बताऊं 17 से 18 हज़ार रुपये महीने की आपकी इनकम जनरेट करके देगा। क्योंकि अगर मैं आसपास की लोकेशन की बात करूं तो जो यहाँ पे रेंट चल रहे हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट में 17 से 18 हज़ार रुपये के रेंट हैं। प्राइम लोकेशन होने की वजह से, क्योंकि ऐसे अगर देख रहे हैं चाई 5 के बहुत पास है, यमुना एक्सप्रेस वे के बहुत पास है, यहाँ पे गुलाटी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। आप मेरे सामने देख रहे हैं फोर्ज कंपनी यहाँ पे पास में बनी हुई है, स्टेला के ऑफिस बहुत पास में बने हुए हैं। तो दिस इज़ अ वेरी प्राइम लोकेशन, दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट। पेमेंट प्लान भी हम बहुत अच्छा पेमेंट प्लान लेके आए हैं, 40-30-30 का, विच सेज 10% आपका अभी जाना है, 30% आपका जब भी रेरा आ जाता है उसके विदिन 30 डेज जाना है, फिर 30% आपका आएगा जब आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, और फिर 30% का आपका जब डिमांड आएगा वो आपका डिमांड आएगा जब हम पोजिशन पे देंगे। तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं दैन दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। इसमें पूरी लोकेशन भी एक ब्रीफ घुमाने वाला हूँ, अभी मैं आसपास हमने क्या बना हुआ है, लोकेशन क्या है, वो भी मैं आपको एक टूर कराऊंगा इस वीडियो में। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं कोफोर्ज एंड स्टेलर बिजनेस पार्क जैसी बड़ी आईटी कंपनीज नियर बाय है, एक इस जस्ट 2 किलोमीटर के रेडियस में है। तो ये एक बहुत प्राइम लोकेशन है जिस, और ये बहुत एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट रहने वाला है। मैं आपको आसपास की सराउंडिंग्स दिखा रहा हूँ। मैंने बेसिकली आसपास 4-5 किलोमीटर में क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्टेड हैं और क्या क्या कंपनी सोसाइटीज़ हैं वो मैंने इसमें कवर करा है। ये कोफोर्ज की कंपनी है हमारा एंट्रेंस गेट। तो इतनी बड़ी कंपनी पास में होने का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमें जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड है वो हमेशा हाई रहने वाली है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज नियर बाय हैं। अच्छा, ये लोकेशन चाई 5 से भी बहुत नियर बाय है, तो चाई 5 में भी काफ़ी सोसाइटी। टेल यू इन टोटल तो 10 से 12 हज़ार लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ऑलरेडी है। तो 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है। और बेसिकली जो लोग बैचलर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटीज़ में रेंट पर रहने में, तो स्टूडियो उनके लिए एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन हो जाता है, एक डिमांडिंग ऑप्शन हो जाता है। ये टेक जोन मैंने यहाँ पे कवर करा है, जहाँ पे एज यू कैन सी इन दिस लोकेशन ऑलरेडी कितने सारे प्रोजेक्ट्स हमारे, निम्बस का प्रोजेक्ट है, अर्थकॉन का प्रोजेक्ट है, पूर्वांचल द रॉयल सिटी है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स विद इन 5 किलोमीटर्स ऑलरेडी हमारे रेडी टू मूव इन में अवेलेबल हैं। सिर्फ जो एक रिक्वायरमेंट लोगों की रहती है वो स्टूडियो अपार्टमेंट की रहती है, जो कहीं ना कहीं यहाँ फुलफ़िल नहीं हो पाती है, क्योंकि सोसाइटीज़ में अगर किसी बैचलर को रहना है तो वो बहुत एक टफ प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। तो आने वाले टाइम पे स्टूडियो अपार्टमेंट, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, लोग आके अलग रह रहे हैं, कुछ 2-2, 3-3 लोग शेयरिंग में भी रहते हैं एज वी नो, तो आने वाले टाइम पे स्टूडियो अपार्टमेंट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड इनकम सोर्स फॉर एवरीवन। और इस रेट पे स्टूडियो मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन फ्यूचर, बिकॉज
अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मैं नेम नहीं, आई विल नॉट नेम इट, बट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 50 से 55 लाख रुपए का 1 BHK का स्टूडियो मिलता है। सो गाइस, एज वी कैन सी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी इस लोकेशन से जस्ट 1 किलोमीटर के रेडियस पे है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसा कोई यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है जिसका एक छोटा ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर नहीं है। तो पॉइंट ये सारी लोकेशंस को कवर करने का, यही आपको दिखाने का है कि जिस लोकेशन में मैं आपको स्टूडियो दिखा रहा हूँ उसके आसपास के सराउंडिंग में कितना कुछ ऑलरेडी डेवलपमेंट है, आईटी कंपनीज हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, चाई फाइव के नियर है, तो यहाँ पे डिमांड स्टूडियो की बहुत हाई रहने वाली है। सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द एंट्रेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में कवर करा था। तो ये प्रोजेक्ट का एंट्रेंस रहने वाला है, और इसी प्रोजेक्ट में हम सीधा अंदर जाएंगे तो राइट में एक 5-स्टार होटल हमारा ऑलरेडी आ रहा है, आगे जाके आईटी कंपनीज आ रही हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर करिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, शायद उसके काम की चीज़ हो। और गाइस, कीप वॉचिंग NCR प्रॉपर्टी बाजार, एंड इफ यू हैव एनी क्वारीज अबाउट दिस प्रोजेक्ट यू कैन कॉल मी ऑन गिवन नंबर, मी और माई टीम विल डेफिनेटली अटेंड योर कॉल एंड सॉल्व ऑल योर क्वारीज। If you want to visit this project also, you can call us, and if you find my number busy, you can drop me a text with name and requirement. My team will definitely give you a call back within 24 hours. So keep watching NCR Property Bazaar. Bye for now. Namaste.